श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः शब्द कोश के दो शब्द बहुत चर्चित या महत्वपूर्ण शब्द है सुख और दुख एक शब्द अच्छा लगता है सुख अच्छा लगता है और दुख अच्छा नहीं लगता किंतु कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जो जन्म से मृत्यु पर्यंत एक का अनुभव करे कभी सुख का अनुभव करता है कभी दुख का अनुभव करता है कभी दिन होता है कभी रात होती दोनों आते हैं जब सुख का अनुभव होता है तो अच्छा लगता है और दुख का अनुभव है कष्टप्रद लगता है आदमी नहीं चाहता कि दुख आए फिर भी आता है कुछ चीज़ें बिना बुलाए आती है भिखारी बिना बुलाए आते हैं तो संस्कृत में एक सुख्त बन गया क मक्षिका इव भिक्षु का ये भिखारी बिना बुलाए आते हैं जैसे मक्खियाँ बिना बुलाई आती है जहाँ भी भोजन होता है मक्खियाँ आ जाती है कोई बुलाता नहीं निमंत्रण नहीं देता फिर भी आ जाती है तो बिना बुलाए आते हैं को कोई बुलाता नहीं बिना बुलाए आता है पर इसमें भी विमर्श करना जरूरी है कि आदमी दुख को बुलाता है बुलाता है बिना बुलाए शायद नहीं आता बुलाता है पता नहीं कि मैं बुला रहा फिर बुलाता है दो व्यक्ति हैं दोनों मित्र हैं बात कर रहे हैं बातचीत करते करते कोई ऐसा प्रसंग आया की, कटुता पैदा हो गई कटुता हुई तो अप्रिय शब्दों का प्रयोग होने लगा तो दुख आ गया कटु शब्द कानों में पड़ा दुख आ गया और अच्छा शब्द कानों में पड़ा तो सुख आ गया आखिर कहाँ से आ रहा सुख दुख मनुष्य की संवेदना है मनुष्य संवेदनाशील प्राणी है और वह संवेदन करता है आता है <coughs> एक बार भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को बुलाया बुलाकर कर का बैठो एक बात करना चाहता हूँ ये होता है कि जो गुरु हैं बड़े हैं वे बुलाते हैं कुछ बातें करते हैं हम भी अनेक बार गोष्ठियाँ करते हैं तो एक गोष्ठी थी सब बैठ गए तो भगवान महावीर ने कहा किम भया पाणा आगम का एक बहुत सुंदर प्रसंग है स्थानांग सूत्र का भगवान ने पूछा किम भया पाणा कि जीव डरता किससे है क्यों डरता है किससे डरता है तो उत्तर दो अब सब शिष्य उलझ गए कोई बात ज्यादा कठिन नहीं थी उत्तर दे सकते थे ज्ञानी साधु भी थे पर जब कोई बड़े पूछते हैं तो एक उलझन के क्यों पूछ रहा है कोई बहुत रहस्य की बात होगी उलझ जाते पूज्य कालूगणी बहुत बार पूछते रहते थे तो बड़े बड़े संत उलझ जाते बात साधारण होती पर तो कई कालूगणी पूछ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई रहस्य है इसके पीछे उलझन पैदा होती तो महावीर के विषय से बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे इस छोटी सी बात में उलझ गए कोई बोला नहीं तब सब ने एक स्वर से कहा बनते इसका आप भी समाधान करें कि प्राणी क्यों डरता है किस से डरता है क्यों डरता है तब महावीर ने कहा दुख भाया पाण प्राणी दुख से डरता है दुख के नाम से ही डरता है कि दुख आ जाए भय बना रहता है भय बना रहता है कि दुख आ जाए दुख भय से भय भै होता है और भय से दुख डर बना रहता है और ऐसे हम बहुत सूक्ष्मता में जाकर विचार करें गहरे में जाकर तो सबका मूल कारण एक डर बनता है डर दुख इतना नहीं होता डर ज़्यादा काम देता है एक आदमी बहुत डरता था किसी वैद्य और डॉक्टर के पास कोई दवा नहीं मिली कि जिससे डर मिट सके तो किसी रहस्यविदता के पास गया जो मंत्र तंत्र को जानने वाला रहस्यविद था उसके पास गया और बोला मुझे डर बहुत लगता है तो उसने कहा ठीक है मैं समाधान कर देता हूँ उसने एक ताबीज़ बना दिया और बांध लो डर मिट जाएगा एक महीने के बाद फिर आया तो उसने पूछा बोलो क्या स्थिति है डर मिट गया कहा तो डर तो मिट गया पर एक डर और हो गया नया वह डर तो नहीं लगता जो घर में पहले लगता था पर एक डर और है क्या चौबीस घंटा यही ध्यान रहता है कि ताबीज़ कहीं खो न जाए यह नया डर पैदा हो गया समस्या में से समस्या पैदा होती है समाधान वह होता है जो जिससे कोई समस्या पैदा न हो तो भय बहुत बड़ा कारण है और यह डर रहता है कि दुख हो न जाए इस कारण आदमी डरता है तब महावीर ने फिर पूछा आगे बोलो दुखे के कड़े दुख कौन करता है किसके द्वारा तिर है दुख फिर वही शिष्यों ने, ने कहा इसका उत्तर भी आप दें समाधान दें हमारा तब महावीर ने कहा अत कड़े दुखे दुख कोई दूसरा नहीं करता कोई दुख करने वाला नहीं है एक संस्कृत श्लोक में बहुत सुंदर कहा कि सुख से दुख से न दाता परो ददाती कुबुद्धि सुख और दुख को देने वाला दुनिया में कोई नहीं है कि दूसरा मुझे सुख दे रहा है या दूसरा मुझे दुख दे रहा है यह अच्छी बुद्धि नहीं कोई सुख नहीं दे सकता और कोई दुख नहीं दे सकता ये तुम्हारा संवेदन है तुम सुख का संवेदन करते हो जिस वस्तु से तो सुख हो जाता है दुख का संवेदन करते हो तो दुख हो जाता है कोई देता नहीं है पटियाारा तो छोटा गांव है हमने कलकत्ता भी देखा दिल्ली भी देखी बम्बई भी देखी और वहाँ मैंने चर्चा भी की लोगों से पूछा कि और सब तो देखने हम तो कोई शहर को नहीं देखना है और कोई अजीब वस्तु तो भी हमें देखने कोई उत्कंठा नहीं है किसी को देखें ये लालसाई समाप्त है किसी को देखना है एक बात ज़रूर देखना चाहते हैं अगर हो तो बताओ उन्होंने तो कहा क्या कहीं सुख का हो बिकता हो वह दुकान या कहीं दुख बिकता हो वह दुकान अगर यह हो तो हम देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना सबका उत्तर नकार में मिला के कोई दुकान है ही नहीं का जहाँ सुख मिले सुख बिके ऐसी दुकान भी नहीं है जहाँ दुख बिके कोई है ही नहीं तो ये समझने में बहुत सुविधा होती है कि सुख और दुख बाहर से नहीं आता दूसरा नहीं देता तो महावीर ने उत्तर दिया अत कड़े दुखे दुख अपनी आत्मा के द्वारा कृत है दूसरे के द्वारा कृत नहीं है आत्मा ही करती है दूसरा कोई नहीं करता दिक्कत्ता ये है सुहाण आत्मा ही सुख दुखी करता है दूसरा कोई नहीं है तो फिर शिष्यों का एक प्रश्न रहा कि बनते अगर सुख स्वयं व्यक्ति करता है आत्मा करती है तो वह दुख क्यों करेगा सुखी सुख करेगा फिर वह दुख क्यों करेगा हर आदमी सुख चाहता है सुख करेगा तब महावीर ने उत्तर दिया पमायणम व्यक्ति अपने प्रमाद से दुख पैदा करता है चाहता नहीं पर अपने प्रमाद से दुख पैदा करता है अपना प्रमाद तो इस सारे संवाद का सार यह निकला है कि प्रमाद और अप्रमाद इन दोनों शब्दों पर हम विचार करें तो फिर जोड़ दें अप्रमाद में आदमी सुखी रह सकता है और तो जहाँ प्रमाद में जाता है वहाँ दुखी बन जाता है प्रमाद एक मूर्छा है एक नशा है जैसे नशे में आदमी चला जाता है उसको भान नहीं रहता और वह गलत काम भी करता है वैसे ही प्रमाद का जब नशा होता है प्रमत्त होता है आदमी तब पता नहीं चलता कि यह मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पता नहीं रहता यह काम तुमने क्यों किया पता नहीं मैं नहीं करना चाहता था पर कर लिया इस प्रकार की मनोदशा बहुत बार लोगों में होती है कि मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था पर पता नहीं कैसे हो गया मैं गाली देना नहीं चाहता था पर पता नहीं कैसे उस समय आवेश में गाली निकल गई तो इसका हम निष्कर्ष निकालें कि जो हमें चला रहा है वह है हमारा भाव आवेश भाव चला रहा है आदमी को पता नहीं चलता आवेश आवेश में आता है तो गाली निकल जाती है मारपीट हो जाती है लड़ाई झगड़ा होता है आवेश शांत होता है तो कुछ भी नहीं होता वही आदमी एक ही आदमी आवेश की अवस्था में पागल बन जाता है हत्यारा बन जाता है लड़ाई झगड़ा करने वाला कलह करने वाला बन जाता है और अनावेश की अवस्था में शांत अवस्था में अच्छा लगता है कुछ भी नहीं करता तो हम इस पर विचार करें आत्मकर्तित्व पर आत्मकर्तित कोई दूसरा नहीं करता कोई भगवान भी नहीं करता आदमी स्वयं करता है आत्मकर्तृत्व मेरा कर्तित्व किस दिशा में जा रहा है इस पर विचार करें कर्तित्व कहाँ है कहाँ जा रहा है किंतु प्रमाद ऐसा है कि पता नहीं लगता एक छोटा बच्चा है छोटा बच्चा सांप के मुंह में भी अंगुली डाल देता है क्योंकि तो उसके पता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा आग पर भी पैर रख देता है अंगारे पर भी पैर रख देता है पता नहीं तो दो चीज़ें होती एक तो होता है अज्ञान एक होता है प्रमाद हमें सारे वक्तव्य के रहस्य को समझना है अज्ञान और प्रमाद एक तो हमें अज्ञान को मिटाना है जो विद्यालय है अज्ञान को मिटाते हैं पर मैं जिस अज्ञान की चर्चा कर रहा हूं वह अज्ञान को विद्यालय भी नहीं मिटा सकता अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं हमें मैं कौन हूं इसका ज्ञान नहीं है आदमी को आदमी की सारी पहचान बाहर से बनी हुई है अपना ज्ञान नहीं है तो एक तो अज्ञान के कारण वह नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा एक आदमी हत्या करता है वह नहीं जानता कि इसका परिणाम क्या होगा मुझे क्या भुगतना पड़ेगा कर्म करता है बुराई करता है पाप करता है हंसी हंसी में करता है यह नहीं सोचता कि इसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा और कितना भयंकर परिणाम होगा अज्ञान है तो एक अपेक्षा है कि आदमी का अज्ञान मिटे अज्ञान और यह धर्म क्षेत्र होता है वह अज्ञान मिटाने का साधन है एक विद्यालय है अज्ञान मिटाता है उससे पैसा कमाने की कला आ जाती है बहुत अच्छा काम भी करता है वस्तुओं का निर्माण करता है और वैज्ञानिक भी कितना कर रही है किंतु वे भी अपने बारे में अज्ञानी है वस्तु जगत के बारे में तो बहुत ज्ञान है आज एक सॉफ्टवेयर वाला आज एक कंप्यूटर वाला इंटरनेट वाला और भी अनेक दिशाओं में काम करने वाला कितने कितने चमत्कारी काम कर देता है साइंस वाले भी फिज़िक्स वाले भी कितने काम कर देते हैं किंतु वे भी अपने बारे में ज्ञान रखते हैं ज्ञान नहीं है तो हमें समझना है कि जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा हम दुख अपने लिए पैदा करते रहेंगे अपने लिए दुख पैदा करेंगे और मैंने तो देखा है बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े बौद्धिक बड़े बड़े शिक्षाविद हमारे संपर्क में आते हैं और दुखी भी देखा है उनको ऐसे व्यक्ति को देखा जो साइकियाट्रिस्ट है, मनस् चिकित्सा करता है दूसरों की चिकित्सा करता है एकांत में मेरे पास आकर कहता है मैं बहुत दुखी हूँ मैंने कहा कि तुम तो साइकियाट्रिस्ट हो और मानसिक चिकित्सा करते हो कि दूसरों की तो करता हूँ पर मैं बहुत मानसिक पीड़ित हूँ मन से पीड़ित हूँ बड़ा विचित्र लगता है और यह तब होता है कि अपना ज्ञान नहीं है दूसरा होता है प्रमाद प्रमाद अवस्था में आदमी बच्चा बन जाता है पता ही नहीं लगता बचपन आ जाता है भान नहीं रहता बचपन बच्चा बड़ा कठिन होता है बच्चे को मनाना भी बड़ा कठिन होता है बचपन को एक बार बीरबल देरी से आया तो बादशाह ने कहा कि आज देरी से क्यों आया इतना विलम्ब क्यों किया क्या तुम सभा की मर्यादा को नहीं जानता राज्यसभा की मर्यादा है कि ठीक समय पर आना देरी क्यों की बोला जहाँ अपना एक समस्या हो गई क्या एक बच्चा रोने लग गया उसे मनाने में समय लग गया बादशाह कहा कि बच्चे को मनाना क्या इतना कठिन है जो इतना समय लग गया कहाँ महाराज बहुत कठिन आपको पता नहीं बड़ा है बड़ा कठिन है काफ़ी आपस में संवाद बीरबल और बादशाह की चला बादशाह कहता है कोई समस्या नहीं बहाना कर रहा है वह कह महाराज बहाना नहीं कर रहा हूँ बड़ी समस्या है आखिर लंबा विवाह चला तो बादशाह बोला कि क्या बताओ कैसे है बीरबल भी बोला कि प्रयोग करके बता दूँ ये सिद्धांत नहीं प्रयोग किया मैं अभी बच्चा बनता हूँ आप मुझे मना लें बादशाह ने कहा दो मिनट में मना लूँगा ठीक है तो बीरबल बच्चा बन गया रोने लग गया रोने लगा तो बादशाह ने कहा ओ बच्चा रोता क्यों है कि मुझे दूध चाहिए दूध की गिलास मंगाओ बादशाह ने दूध मंगा दिया गिलास आ गई तो भी रोता है कि रोता क्यों है कि तो ठीक है चीनी डालो तो चीनी डाल दी फिर भी रोता है अब क्यों तो रोता है कि चीनी निकाल दो वापस दूध ठीक है चीनी निकाल दो बादशाह ने कहा चीनी डाल तो सकता हूँ निकालूँ कैसे आज आज के कोई वैज्ञानिक विश्लेषण होता तो पृथक ही कर देते अलग कर देते फिर बादशाह तो कुछ नहीं जानता था, था शिष्य में कि निकाल न नह, निकाल नहीं सकता तो मैं रोना भी बंद नहीं कर सकता देर तक चला नाटक आखिर बीरबल ने कामारा देख लिया आपने बच्चे को मनाना सरल काम है क्या कितना जटिल काम है प्रमाद में आदमी में भी बचपन आ जाता है बच्चा बन जाता है और उसका बचपन बड़ा जटिल बनता है प्रमाद की अवस्था में तो महावीर ने जो उत्तर दिया बिल्कुल ठीक था कभी दुख कोई करना तो नहीं चाहता पर बचपन में उसे पता नहीं भान नहीं बचपन में ज्ञान भी नहीं होता और प्रमाद में बच्चा जो कुछ भी करता है पता नहीं चलता तो प्रमाद के कारण दुख पैदा करता है तो हमें इसका उत्तर मिल गया कि दुख कहीं बिकता नहीं है दुख की कोई दुकान नहीं है दुख को कोई बेचने वाला नहीं है दुख को पैदा करने वाला कोई कारखाना नहीं है दुख को चाहने वाला खरीदने वाला भी कोई नहीं है कोई दुख की दुकान खोल दे तो एक भी खरीददार नहीं आएगी दिन भर खाली बैठा रहेगा कोई नहीं चाहता फिर भी दुख होता है इसका कारण आत्मकर्तृत्व दुख व्यक्ति स्वयं पैदा करता है पैदा करता है और अपने प्रमाद से पैदा करता है हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं स्वास्थ्य परीक्षा का पांच सेकेंड में श्वास लेना है पांच सेकेंड भीतर रोकना है और पांच रेचन करना है और पांच सेकेंड बाहर रोकना है इस प्रकार बीस सेकेंड में एक श्वास सावधान रहे श्वास भरे भीतर रोके रीजन करे, बाहर रोके, वास्त भरे, भीतर रोके, रीजन करे, बाहर रोके। श्वास भरे भीतर रोके रेचन करे बाहर रोके श्वास भरे भीतर रोके रीजन करे, बाहर रोके, वास्त भरे, भीतर रोके, रीजन करे, बाहर रोके। श्वास भरे भीतर रोके वेचन करे बाहर रोके श्वास भरे प्रयोग संपन्न तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है ओम आर